प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम भिन्नों का लॉस ऑफ एलसीएम व मॉश ऑफ एचसीएफ याद करना सीखेंगे। तो एक प्रश्न दिया है 4/9, 7/12 और 8/15 का लॉस ऑफ एलसीएम ज्ञात करो। तो भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना हो या भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना हो, यहाँ पे एक सूत्र है। अगर भिन्नों का लॉस ऑफ पूछा गया है एलसीएम, तो हम अंश का तो एलसीएम ही ज्ञात करेंगे, लेकिन हर का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। और अगर भिन्नों का एचसीएफ पूछा है, मौसो पूछा है, तो हम अंश का मौसो ज्ञात करेंगे और हर का लॉसो ज्ञात करेंगे। एलसीएम में अंश का तो वही निकाला जाता है जो भिन्न में पूछा गया है, लेकिन हर में उल्टा निकाला जाता है। मीन्स अगर लॉसो होगा तो हर का मौसो ज्ञात करेंगे, और मौसो पूछा गया हो तो हर का लॉसो ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे 4/9, 7/12 और 8/15 का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 4, 7 व 8 का एलसीएम लॉस बटे क्या कहा मैंने, 9, 12 व 15 का क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ मॉस ज्ञात करेंगे। ये सूत्र है। और अगर यहाँ पे एचसीएफ पूछा होगा, मीन्स मौसो पूछा होगा, तो हम अंश का मौसो ज्ञात करेंगे जबकि हर का लॉसो ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब 4, 7 व 8 का एलसीएम ज्ञात करो। तो 4 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2, 7 के हो जाएंगे 7 × 1 और 8 का हो जाएगा 2 × 4 × 8। अब एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम हो जाएगा जो हाईएस्ट पावर होगी। हाईएस्ट पावर किसकी, प्रत्येक फैक्टर की। 2 कितनी बार आया है, 2 यहाँ पे अधिकतम 3 बार आया है और यहाँ 2 ही बार आया है, तो 2 को कितनी बार लिखेंगे, 2 को 3 बार लिखेंगे, ठीक है। 7 एक ही बार आया है तो ये हो गया 56। तो ये आया अंश का जो एलसीएम आया वो आया 56। और 9, 12 व 15 का एचसीएफ मौसो क्या हो जाएगा, तो 9 के फैक्टर निकाल दीजिए। 9 के फैक्टर हैं गुणनखंड 3 × 3, 12 के हैं 3 × 6 × 12 और 15 के हैं 3 × 5, 3 × 5 = 15। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होता है, कॉमन संख्या होती है जो सब में हो। तो 3 सब जगह है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। तो पूरी भिन्न का एलसीएम हो जाएगा 56/3, 56/3। 4/9, 7/12 और 8/15 का मौसो एचसीएफ ज्ञात करो। 4/9, 7/12, 8/15 का एचसीएफ ज्ञात करो। तो देखिए एचसीएफ के लिए क्या हो जाएगा, अगर भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो 4, 7 व 8 का एचसीएफ बटे 9, 12 व 15 का एलसीएम। ये अंश का एचसीएफ निकालो, 4, 7 व 8 का एचसीएफ। तो 4, 7 और 8 का एचसीएफ, तो 4 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2, 7 का हो जाएगा 7 × 1 या 1 × 7 और 8 का हो जाएगा 2 × 2 × 2। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है केवल 1 के अलावा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका, 1 हो जाएगा। 4, 7 और 8 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4, 7 और 8 का एचसीएफ हो जाएगा 1। 4, 7 और 8 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 9, 12 व 15 का एलसीएम,
9, 12 व 15 का एलसीएम ऐसे निकालेंगे, 9 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3, 12 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 15 का हो जाएगा 3 गुणा 5। तो यहाँ से इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा, देखिए 3 की मैक्सिमम पावर है 2, 3 दो बार आया है और 2 भी दो बार आया है और 5 एक बार आया है, तो ये हो जाएगा 180। यहाँ पे लिखेंगे हम 180, एलसीएम कितना आया 180। तो ये है भिन्नों का लॉ सॉ और मॉ सॉ किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।